हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सब्जियां और फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। उन्हीं में से एक सब्जी है ब्रोकली, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज हम ब्रोकली का सूप बनाएंगे। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी ताज़ी ब्रोकली और बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, और मैं बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रोकली का सूप बनाने के लिए बता रही हूँ। ब्रोकली और आलमंड का सूप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप बनाएंगे तो बार बार आपके घर में ब्रोकली के सूप बनाने की डिमांड होगी। ये सूप हेल्दी और टेस्टी तो है ही है, साथों साथ ये बहुत सारी बीमारियों को भी दूर भगाती है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे अच्छे से हम काट करके साफ कर लेंगे और इसका एक भी पार्ट हम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्रोकली को देखिए, हम अच्छे से इसको काट लेंगे और इसकी स्टीम के जो ऊपर मोटे छिलके हैं उसे भी निकाल करके और ब्रोकली के सूप में हम छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें भी यूज करेंगे। जब भी हम ब्रोकली या फूल गोभी यूज करते हैं तो उसे हमें ब्लांच कर लेना चाहिए। अब हम पानी गर्म करेंगे और ब्रोकली डाल करके थोड़ा सा नमक डालेंगे और 5 मिनट बॉयल करके उसे निकाल लेंगे। कभी कभी इन सब्जियों में छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, उसे हमें साफ़ करने के लिए सब्जियों को ब्लांच कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने पानी को रख दिया है बॉयल होने के लिए। हमारी ब्रोकली को अब हम उसमें डाल करके ब्लांच कर लेंगे। ब्रोकली का सूप बना रहे हैं तो ब्रोकली के बारे में थोड़ी जानकारी बीच बीच में मैं देती रहूँगी। ब्रोकली फूल गोभी की प्रजाति की ही होती है, लेकिन इसका स्वाद फूल गोभी से बिल्कुल अलग होता है। 3-4 मिनट इसे बॉयल करके हम पानी में से निकाल। ब्रोकली नाम इटालियन शब्द ब्रोकोलो से आया है, जिसका मतलब होता है गोभी के फूल की शिखा। ब्रोकली के अनेक लाभ हैं। इसके सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब ब्रोकली के सूप को अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ बादाम को भिजा करके रख लिया है और एक प्याज को रफली चॉप कर लूँगी। इसमें 5-6 कली लहसुन लिया है। छोटी छोटी कलियाँ हैं इसलिए 5-6 लिया है। आप 2-3 लेंगे तब भी चल जाएगा। और इसमें 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक की जगह आप सेलरी का भी यूज कर सकते हैं। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन सी व कई अन्य तरह के पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ब्रोकली में मौजूद पोषक तत्व आपको हृदय रोग, आँखों की समस्या, पाचन की समस्या व मधुमेह की समस्या और इसी तरह की ढेर सारी समस्याओं से निजात दिलाता है। अब हम सूप बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल करके इसमें 8-10 काली मिर्च डाल देंगे और एक हम तेज पत्ते को डाल करके इसे भून लेंगे। अब एक प्याज जो काटा था हमने, अदरक, इसको भी डाल करके थोड़ा सा हल्का ही भूनेंगे। इसमें हमें कलर लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें लहसुन को भी डाल देंगे। इस तरह के सूप वगैरह या सब्जियाँ कुछ बनाएं तो हम लहसुन बाद में ही डालते हैं। अब थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमने जो ब्रोकली को ब्लांच करके रखा है उसे भी मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर साथ में ही भून लेंगे। आप चाहें तो 2 चम्मच मैदे का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे गाढ़ा करने के लिए बाद में सेलरी बना करके नहीं डालेंगे। हम ब्रोकली के साथ ही कॉर्नफ्लोर को भी थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बादाम को जो भिजाया था उसको भी छील करके इसके अंदर डाल दूंगी, साथों साथ थोड़ा सा वो भी रोस्ट हो जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच चीनी भी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी चीनी डालने से चीनी साथ में रोस्ट होके थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाएगी और चीनी डालने से इसका स्वाद
थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि ब्रोकली में सल्फोराफेन नामक यौगिक होता है जो कैंसर को रोकने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो ब्रोकली हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है, हमें इसे किसी न किसी रूप में ज़रूर सेवन करना चाहिए। लीजिए, बातों बातों में हमारा कॉर्नफ्लोर भी पक गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो तेज़पत्ता डाले थे इसको निकाल देंगे और ब्रोकली को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ब्रोकली थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद इसे हम पीस लेते हैं। इसे एकदम हम महीन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। अब आपके पास वेजिटेबल स्टॉक हो तो आप उसका यूज करिए, नहीं तो मेरी तरह सिंपल पानी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने फिर से वही कढ़ाई ले लिया है और उसमें सारा पेस्ट मैंने डाल लिया है। अगर आपको पेस्ट दरदरा लग रहा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब जार में जो भी कुछ लगा हुआ था मैंने पानी डाल के उसे भी धो करके इसमें डाल लिया है। अब यहाँ थिकनेस आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी मिलाइए और अगर गाढ़ा चाहिए तो कम पानी मिलाइए, वो आपकी इच्छा पर है। इतने सूप में मैंने यहाँ पे 5-6 कप पानी मिला दिया है। सूप बहुत ज़्यादा थिक हो तो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा पतला ही रहे तब ठीक है। अब हम सूप को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब सूप को और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए यहाँ पे बादाम डाल दूँगी और करीब 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ। प्रोसेस चीज़ डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ना सूप की रिचनेस बढ़ जाती है और सूप बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट उसका बहुत बढ़िया निखर करके आता है। सूप हमारा लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें हम प्रोसेस चीज़ डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी हम क्रीम डाल देंगे। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो घर की ताज़ी मलाई भी इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। सूप देखिए लगभग हमारा तैयार हो चुका है। सूप को हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। अब यहाँ मैं 2 चम्मच घर की मलाई डाल दे रही हूँ और हमारा सूप बन करके तैयार हो चुका है। मलाई भी आप अपनी इच्छा अनुसार डालिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है डालने की तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। लीजिए हमारा सूप तैयार है। अब सूप को हम बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा आलमंड ब्रोकली सूप बन करके तैयार है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सूप बन करके तैयार है। अब देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा बादाम और डाल करके इसे डेकोरेट कर देते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।